कौन शेराज? मैं सब जानती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओ। और ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा जैसे आंटी समझ रही हैं। और देखो मिशाल, तुम अकेली हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझ पे ट्रस्ट करो और मेरी बात गौर से सुनो। जी। फायजा शेराज से मिलने उसके घर गई थी और जब घर से निकली तो बहुत गुस्से में थी। मुझे लगता है फायजा ने शेराज को बहुत सुनाई है, उसकी बहुत इंसल्ट की है। लेकिन मुमानी तो बहुत परेशान है, वो तो यही चाह रही है कि मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। वो तो सब चाहते हैं कि मसला हल भी हो जाए और शान को पता भी ना चले। तुम एक काम करो, मुझे शेराज का नंबर सेंड करो, मैं मिशाल बन के उससे बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि वो मुलाकात के लिए तैयार हो जाए। मैं? देखो मिशाल, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं भी चाहती हूँ कि फायजा की इज्जत पे कोई बात ना आए। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत सादा सी हो, ये घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। और मैं जानती हूँ कि मुझे शेराज को मुलाकात के लिए कैसे कॉल करना है, तो तुम ऐसा करो, मुझे शेराज का नंबर सेंड कर दो। ठीक है, मैं करती हूँ आपको। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। चलें गाड़ी निकालें। हेलो, मैं मिशाल बात कर रही हूँ। फायजा की कजन? ओह, तो अब मैडम फैमिली से प्रेशर डलवाने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे आपसे नहीं मिलना। मिलना तो आपको पड़ेगा। अच्छा, कोई जबरदस्ती है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं मिलेंगे तो मैं पुलिस में FIR दर्ज करा दूंगी। फिर आप आराम से ये बात पुलिस और अदालत को समझाइएगा और अपनी फैमिली को भी सफाई दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, मैंने फायजा से निकाह किया है। और याद रखिए, आप एक DNA की मार हैं। कहाँ मिलना? ये हुई ना बात, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ फायजा से मिलते हैं, ठीक 1 घंटे बाद।